नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की जसपुर में मनाए गए विश्वकर्मा सम्मेलन दिवस। जसपुर नगर के मोहल्ला नत्था सिंह में स्थित विश्वकर्मा भवन में नववर्ष 2023 के चलते विश्वकर्मियों एवं भारतीय धीमान ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर पहला विश्वकर्मा सम्मेलन दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया, जहां भारतीय धीमान ब्राह्मण समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदरलाल धीमान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा की फोटो पर फूल माला अर्पित कर व दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन पाल सिंह के साथ साथ कमेटी के पदाधिकारियों ने भी फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि विश्वकर्मा, जो हमारे पूजनीय भगवान माने जाते हैं, अपने नाम के आगे विश्वकर्मा नहीं लगाएं, क्योंकि हम धीमान ब्राह्मण जाति में आते हैं, इसलिए हमें अपने नामों के आगे धीमान ब्राह्मण लगाना चाहिए, ना कि विश्वकर्मा, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान है जिनकी पूजा प्रत्येक कारखाने इंडस्ट्री में होती है, जो मानव को रोजगार मुहैया कर रोजी रोटी देते हैं। स्थानीय जनता के साथ साथ दूसरे राज्यों से आए पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कमेटी के महामंत्री राकेश विश्वकर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपने समुदाय के लोगों को एकजुट करना तथा संगठन बनाकर रहना है। उधम सिंह नगर संवाददाता मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा पिछले 3-4 वर्षों से लगातार काम कर रही है और लगभग हमने 13-14 प्रदेशों के आदमी जुड़े हुए हैं। एक खतौली अधिवेशन हुआ था पिछले 2 अक्टूबर को 2020 में। उसके बाद में हमने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में, दिल्ली में बहुत सभाएं कर ली, लगभग 35-40 सभाएं कर ली। हमारा उद्देश्य यही है कि अपने समाज को जगाने का है कि सबसे पहले अपने आप को देखो कि हम हैं कौन। बहुत सबूत तो हमें ये भी मालूम नहीं कि हमारा गोत्र क्या है, तो हम विश्वकर्मा वंशी हैं और धीमान ब्राह्मण हैं। धीमान ब्राह्मण तो हम ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि हमारी जो विश्वकर्मा वंशी है शुद्ध शाकाहारी है, तो हम तो ऑटोमेटिक ही ब्राह्मण हैं। कि भाई एकता बनाए रखें, एक रहें। हमारे मैं पिछले 12-13 सालों से अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले उसमें हमारे धीमान, जांगीर, पांचाल सभी थे और हमने मिलकर लगभग 3 साल के अंदर अंदर खतौली में विश्वकर्मा मंदिर बनाया। 39-40 लाख रुपए लगे, सब सहयोग किया, सब समाज में, सब समाज के सभी वर्गों के आए उसमें, धीमान, जांगिर, पांचाल, टाँक वगैरह सब हैं। उसके बाद में फिर हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम, मैं देखता हूँ, मेरा फील्ड का काम है, हम देखते हैं कहीं धीमान का कोई नाम नहीं है। अगर कहीं मैं जाता हूँ पूछता हूँ भाई हमारे धीमान में कोई धर्मशाला है तो नहीं है, उसमें पता लगता है खाली वो पांचाल धर्मशाला है, जांगिर धर्मशाला है। मैं देखता हूँ हरिद्वार में हमारे जांगिड़ों की 3 धर्मशाला है, बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन हमारी कोई धीमान नहीं। अगर धीमानों का कहीं नंबर आता है ना तो वहाँ लगा देते हैं विश्वकर्मा धर्मशाला। हमारा धीमानों का अस्तित्व खत्म, कोई नहीं जानता धीमान कौन है। बहुत बड़ी क्या खा भाई, हम धीमान हैं भाई, विश्व तो हमारे भगवान है, विश्वकर्मा हम कैसे लगा सकते हैं, हम भगवान तो नहीं हो सकते, धीमान ब्राह्मण है, अपने आप को जगाओ। सबसे पहली बात यह है कि अपने जसपुर नगर में और जसपुर के आसपास जो आप यूपी के गांव में हैं अपनी बिरादरी के, तो मेरी नज़रों में, मेरी इस वक्त आयु जो है कम से कम 47-48 साल है, मेरी नज़रों में पहला हम सम्मेलन विश्वकर्मा समाज सम्मेलन कर रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ हमारा सम्मेलन करने का यह है कि हम सब एकजुटता के साथ, चाहे वो धीमान हो, लोहरी हो, माथुर हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जो सब एक साथ एक ही, क्योंकि जिस प्रकार की मैं उदाहरण देने के लिए कह सकता हूँ कि गुलाब का फूल होता है, उसके कलर अनेक हो सकते हैं, लेकिन गुलाब का फूल कहा ही जाएगा फिर भी। तो इसी प्रकार से हम सब एकता के सूत्र में बन करके आगे बढ़ें, संगठन बना के रहें, जिससे कि कभी कभी हमने ऐसे महसूस भी किया है कि हम संगठन नहीं हैं। उस संगठन को ताकत देने के लिए, बनाने के लिए हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम जसपुर के जो लोग हमारे मेरे साथ हमारे जुड़े हैं, हमारे अमित भाई, सुधांशु भाई, सभी जो टीम हमारी तैयार हो रही है धीरे धीरे, हमारी सबका यह प्रयास है कि हम एक संगठित रहें और संगठन बनाने का प्रयास करते रहें। यही हमारी पहचान कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर होनी चाहिए कि हम भी धीमान हैं, विश्वकर्मा हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम छुपे हुए हैं, तो हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हम बाहर निकल कर आएँ और अपनी पहचान दें और संगठन के साथ दें। धन्यवाद।